बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100-100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की घड़ियां उसी कमरे में चद्दर से ढक कर रखी थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी घड़ियां पड़ी है, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपए वाली कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे। अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं लेकर गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे, जब यहाँ नौकरों से पूछताछ हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु ये दयालुता नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा, चोरी के चावल की खीर थी इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम ये क्या हो गया, मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। इन सब बातों का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सदा घर में मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही भोजन लाए। घर में बने हुए भोजन का ईश्वर को भोग लगाकर भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।